हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अगर आप WhatsApp के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका WhatsApp नंबर हमें प्रोवाइड कीजिए। हम आपको WhatsApp के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स भेजेंगे। आप में से कुछ लोगों को अवार्ड्स मिलते होंगे या फिर कुछ लोगों को भविष्य के अंदर अवार्ड्स मिलेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अवार्ड का स्वीकार करने के लिए स्टेज के ऊपर आती है तो उसे कभी कभार स्पीच देने की इच्छा होती है, लेकिन स्टेज फियर होने के कारण और स्पीच कैसे देनी चाहिए वो पता ना होने के कारण वो व्यक्ति स्पीच नहीं दे पाती है। साथ ही कभी कभार एंकर जो होते हैं वो व्यक्ति को कहते हैं कि आप स्पीच दीजिए, लेकिन व्यक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहती है, मतलब कि वो व्यक्ति स्पीच नहीं देना चाहती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब अवार्ड मिलता है तब स्पीच कैसे देनी चाहिए। ये जो स्पीच है वो आप सामने से भी दे सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति अगर आपको कहती है तब भी आप स्पीच दे सकते हैं। मैं आपको चार सिंपल स्टेप्स बताऊंगा कि जिन चार सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अवार्ड को प्राप्त करते समय आप स्पीच दे सकते हैं। तो ये चार स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है ग्रीट एवरीवन। जब भी आप अवार्ड स्वीकार करते समय कोई स्पीच देते हैं तब समय के आधार पर लोगों को ग्रीट कीजिए। अगर सुबह के समय के अंदर आप अवार्ड का स्वीकार कर रहे हैं तो लोगों को गुड मॉर्निंग कहिए। अगर शाम के समय आप अवार्ड का स्वीकार कर रहे हैं तब गुड इवनिंग कहिए। लेकिन ये गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सिर्फ इतने शब्दों तक ही सीमित मत रखिए, एक वाक्य बनाकर लोगों को कहिए। आप कह सकते हैं, यहां पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। इसी तरह से आप गुड इवनिंग के लिए भी कह सकते हैं। साथ में आप वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके ग्रुप के बेसिस के ऊपर भी ग्रीट कर सकते हैं। अगर वहां पर जो ग्रुप बैठा हुआ है वो जैन धर्म के लोग हैं तो आप कह सकते हैं जय जिनेन्द्र। अगर वहां पर स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग बैठे हैं तो आप कह सकते हैं जय स्वामीनारायण। अगर वहां पर टोस्ट मास्टर क्लब के ग्रुप मेंबर्स बैठे हुए तो आप कह सकते हैं डियर टोस्ट मास्टर्स। इस तरह से लोगों के ग्रुप के आधार पर भी उनको ग्रीट कीजिए। तो ये सबसे पहली टिप हुई ग्रीट एवरीवन। दूसरी टिप है कि अवार्ड को स्वीकार करते समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति अवार्ड का स्वीकार करती है तब उन्हें खुशी होती है। कुछ लोगों का बचपन का ड्रीम होता है और वो ड्रीम आज पूरा होता उनको नजर आता होता है, तो इस तरह से उनकी ये फीलिंग्स होती है। अब ये फीलिंग्स को आप स्पीच के अंदर भी बता सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई एक स्टूडेंट है कि जिसे अवार्ड मिला है तो वो स्पीच के अंदर लाइन टू लाइन इस पॉइंट के लिए क्या कह सकते हैं, इस स्टेप के लिए क्या बता सकते हैं। वो स्टूडेंट कह सकता है कि आज जो मुझे अवार्ड मिला है उस अवार्ड को प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने सपना देखा था कुछ साल पहले कि मुझे ये अवार्ड मिले और आज ये मेरा सपना पूरा हो गया है। साथ ही मेरे माता पिता का सपना भी पूरा हो गया है। तो इस तरह से वो व्यक्ति ने अपने इमोशंस को लोगों के सामने पेश किया। इसी तरह से आप भी अवार्ड को प्राप्त करते समय आपकी जो फीलिंग्स है वो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ये सेकेंड स्टेप हुआ। जो थर्ड स्टेप है वो है कि अवार्ड प्राप्त आपने कैसे किया वो लोगों को बताइए। किसी भी अवार्ड को प्राप्त करने के पीछे हमारा हार्डवर्क होता है, हमारा डिटर्मिनेशन होता है, हमारी पेशेंस होती है, हमारे आइडियाज होते हैं। तो इन्हें लोगों के साथ शेयर करके हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करके, ये क्वालिटीज को मेंटेन करके मैंने ये अवार्ड को प्राप्त किया हुआ है। इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है कि जिसे अवार्ड मिला है बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड। अब वो व्यक्ति जब स्पीच देने के लिए आती है तब ये थर्ड स्टेप के अंदर अपने जो शब्द है उसे कैसे बता सकती है, अपनी ये जो बात है वो कैसे बता सकती है। वो व्यक्ति कह सकती है, आज मुझे जो ये अवार्ड मिला हुआ है उस अवार्ड के पीछे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है। वीकेंड के अंदर भी लेट नाइट तक वर्क करके ये प्रोजेक्ट को पूरा किया हुआ है। जब मैं घर पर भी जाता था तब लैपटॉप खोलकर काम करता था और मेरी पर्सनल लाइफ के लिए भी मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हुए थे। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारी किताबों को भी पढ़ा था कि जिससे मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर
जो कस्टमर है उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकूँ। साथ साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे कि जिनके साथ मैं फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड रहता था, उनके साथ मीटिंग्स करते रहता था, बहुत सारे सेमिनार्स को भी अटेंड किया, वेबिनार्स को भी अटेंड किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके और आइडियाज़ मिल सके। तो इस तरह से आप थर्ड स्टेप के अंदर आपने उस अवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए जो भी किया हुआ है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये थर्ड स्टेप हुआ। और फोर्थ और आखिरी स्टेप जो है उसके अंदर आपको करना है थैंक टू द एवरीवन। जिन लोगों ने आपकी सफलता के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिस अवॉर्ड के लिए अपना योगदान दिया हुआ है, उनका धन्यवाद कीजिए। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है कि जिसे बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति अपनी स्पीच को इस स्टेप के अंदर कैसे दे सकती है? वो व्यक्ति कह सकती है, आज जो अवॉर्ड मिला हुआ है उस अवॉर्ड के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स कि जिन्होंने मुझे मेरे काम के लिए सपोर्ट किया, मेरे स्टाफ मेंबर्स कि जिन्होंने इस कंपनी की प्रोग्रेस के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, हमारे कस्टमर्स और हमारे सप्लायर्स कि जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जो है वो रखा हुआ है, बनाया हुआ है, हमारे कस्टमर्स कि जो हमारी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप अपनी स्पीच के अंदर आपके अवॉर्ड को प्राप्त करने के पीछे जिन लोगों का योगदान है उनका धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चार स्टेप बताए, ये चारों स्टेप्स को फॉलो करके आप अवॉर्ड प्राप्त करते समय स्पीच को दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।